हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षना और आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं CA फाइनल स्टडी मटेरियल न्यू कोर्स जो अभी रिसेंटली ICAI ने रिलीज़ किया है, विच इज़ एप्लीकेबल फॉर May 21 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स। तो ये जो दोस्तों न्यू बुक्स है जो ICAI ने रिसेंटली अपडेट की है CA फाइनल न्यू कोर्स में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको जानना है कि आप ये बुक्स कैसे ऑर्डर कर सकते हो तो अभी आप आगे वाला वीडियो ज़रूर देखना। सो दोस्तों, बुक्स ऑर्डर करने के लिए आपको ये वाली साइट ओपन करनी है। इस साइट का जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो ICAI.cds.org आपको ये साइट ओपन करनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है, डैट इज स्टूडेंट कोर्स बुक्स। यहाँ पे आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे वो आपको बोलेगा आपको इसके अंदर साइन इन करना है। तो साइन इन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डैट वुड बी योर WRO नंबर, CRO नंबर, ये वो आपका स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो मैं वो एक बार डाल के फिर यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। एक बार अगर आप साइन इन पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से साइट लोड होगी। एक बात आपको याद रखनी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो ICAI के रिकॉर्ड्स में है, जब आपने कोई भी फॉर्म फिल किया होगा ICAI का, वेदर इट बी CPT, इंटरमीडिएट और फाइनल। उसके बाद उससे यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टार्ट शॉपिंग। सो बुक्स ऑर्डर करने के लिए देर आर टू वेज, या तो आप पैसे दे के बुक ऑर्डर कर सकते हो या सेकंड थिंग आप कूपन यूज़ कर सकते हो। अगर आप कूपन यूज़ करोगे तो जो आपकी जो बुक्स की कॉस्ट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। और वो ज़ीरो कैसे होगी और वो कूपन आपको कैसे मिलेगा, वो इस तरह से मिलेगा। लेट्स से अगर आप इंटरमीडिएट की बुक्स ऑर्डर कर रहे हो या फाइनल की बुक्स ऑर्डर कर रहे हो तो व्हेनेवर यू रजिस्टर फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस साइट पे आपको दो कूपन अवेलेबल होंगे जब आप चेकआउट करोगे ड्यूरिंग एनी परचेज। तो जैसे ही आप चेकआउट करोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कूपन अवेलेबल है। आप वो कूपन को अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कूपन अप्लाई हो जाएगा एंड आपका जो ओवरऑल कॉस्ट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बुक्स मेरी ऑर्डर कर दी है तो मेरे को सिर्फ एक सिंगल बुक ऑर्डर करनी है, दैट इज माई इलेक्टिव। तो मैं वो आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्टूडेंट कोर्स बुक्स में व्यू ऑल पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया स्टडी मटेरियल अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ न्यू कोर्स के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। बिकॉज मैंने ऑलरेडी बाकी सारी बुक्स मंगा दी थी, मेरे को सिर्फ एक इलेक्टिव की बुक मंगानी है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ग्रुप टू सिलेक्ट किया बिकॉज इलेक्टिव कम्स अंडर ग्रुप टू ऑफ CA फाइनल। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सिलेक्ट किया, दैट इज़ पेपर नंबर 6B, बिकॉज ये जो ऊपर की जो बुक्स है मैंने ऑलरेडी उसको ऑर्डर कर दिया था ना, मैंने वहाँ पे मेरा कूपन अप्लाई कर दिया था तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया है ऐड टू कार्ट। तो बुक्स को मैंने जो मेरी 6B जो इलेक्टिव पेपर है उसको मैंने ऐड कर दिया है कार्ट में। देन मैं कार्ट पे क्लिक करूंगा, दैट इज़ ओवर दिस साइड। यहाँ पे मैंने कार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो इलेक्टिव पेपर नंबर 6B सिलेक्ट कर दिया था हम लोग ने, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक पेमेंट समरी वो बता रहा है, दैट इज़ ₹165। आइडियली जब आप अपनी बुक्स ऑर्डर करोगे, वेदर इट बी फॉर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो जो टोटल पेएबल होगा वो यहाँ पे आपको जीरो दिखेगा। आई थिंक कुछ तो बग चल रहा है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, जहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि मुझे 165 पे करना है एंड दिस 165 पर्टेन्स टू दिस शिपिंग चार्जेस। आइडियली वो भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आई थिंक कुछ इशू चल रहा है एज ऑफ नाउ। बिकॉज अगर हम देखेंगे जो मेरी बुक्स की कॉस्ट है वो तो जीरो ही बता रही है, दैट इज सब टोटल इज जीरो, बट यहाँ पे मेरे को ₹165 पे करने जो मैं अभी पे कर दूंगा। सो आई विल क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे ₹165। देन इट शोज आर यू श्योर यू वॉन्ट टू प्लेस द ऑर्डर, आई विल क्लिक ऑन येस। उसके बाद उससे यहाँ पे एक पेमेंट्स गेटवे खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपए। यहाँ पे मैं अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर दूंगा एंड मैं डायरेक्टली आपको तब मिलूंगा जब मेरे को कन्फर्मेशन आ जाएगा। सो मैंने मेरा ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये देखना है कि आपके ऑर्डर्स कहाँ दिखेंगे एंड वेयर कैन यू ट्रैक देम, तो यहाँ पे आपको राइट साइड में क्लिक करना है, आपको यहाँ पे अपना नेम दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी, आपको उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना ऑन माय ऑर्डर्स। जैसे ही आप माय ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपने जितने भी ऑर्डर्स जो आपने प्लेस किए आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी। तो जैसा कि हमने देखा था कि मैंने 6B पेपर नंबर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने उसको ऑर्डर किया, डेट ये रहा, मेरा ऑर्डर नंबर ये रहा, प्राइस कितना है, शिपिंग प्राइस कितना है, टोटल प्राइस कितना है, टोटल ऑर्डर प्राइस कितना है, ये सब कुछ दिखेगा। तो अब जैसा कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो भी मेरी बुक्स है वो यहाँ पे मैंने जितने भी ऑर्डर किए, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा स्टूडेंट कूपन कोड अप्लाई किया था, तो यहाँ पे मेरे को जो मेरा प्राइस था वो था ₹0 एंड
मेरे को शिपिंग चार्जेस भी रखे थे वो भी जीरो थे, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप टू की बुक्स ऑर्डर की थी। अगर मेरे को ट्रैक करना है कि लेट से मैंने फिर ग्रुप वन की बुक्स भी ऑर्डर की थी, तो लेट से मेरे को ये ट्रैक करना है कि मेरा ये जो शिपिंग है वो किधर है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ट्रैक पे। तो द मोमेंट आई क्लिक ऑन ट्रैक, ये मेरे को एक दूसरी साइट पे रीडायरेक्ट करेगा, ICI की साइट होगी, जहाँ पे मेरे को बताएगा कि मैंने ऑर्डर कब प्लेस किया था, कब वो शिप हुआ, कब वो डिलीवरी के लिए गया और कब वो डिलीवर हुआ। सो लेट्स अगर आपको इसको ट्रैक करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो AWB ट्रैकिंग पे। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे एक ट्रैक ऑन कोरियर्स प्राइवेट लिमिटेड का साइट ओपन हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो ट्रैक ऑन कोरियर्स है उसके थ्रू आपके जो भी पार्सल्स है वो डिलीवर होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना AWB नंबर डाल सकते हो या तो ऑर्डर नंबर डाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं अपना AWB नंबर डालूँ एंड यहाँ पे AWB नंबर में ये ट्रैकिंग ID के जहाँ पे पेस्ट करूँ, यहाँ पे क्लिक ऑन ट्रैक, तो मेरे को ये सारी मेरी डिटेल्स बता देगा कि वेदर माई पार्सल हैज बीन शिफ्ट ऑन ऑटो। तो यहाँ पे आपको सारी मेरी डिटेल्स दिख रही होगी एंड दीज वर दी लोकेशन जहाँ पे मेरा पार्सल गया एंड अल्टीमेटली वो चीज़ डिलीवर हो चुकी है। सो अकॉर्डिंगली आप अपने कोरियर्स को डेली बेसिस पे ट्रैक भी कर सकते हो कि वो कोरियर्स कहाँ तक पहुँचे। सो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, वापस कंटिन्यू करते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो भाई आपने जैसा कि देखा आप किस तरह से इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो, तो चलिए अभी इन बुक्स की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ग्रुप वन की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो ये दोनों पैकेट्स में ग्रुप वन के बुक्स है, तो लेट्स अनबॉक्स इट। तो ये फिनेंशियल रिपोर्टिंग की बुक्स है, चारों की चारों ये जो बुक्स दिख रही है ये फिनेंशियल रिपोर्टिंग की बुक्स है। उसके बाद ये बाकी की बुक्स अनबॉक्स करते हैं। इसको थोड़ा अनबॉक्सिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये ग्रुप वन की बाकी सारी बुक्स है अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिनको हमने पहले ही अनबॉक्स कर लिया था। ये जो प्लास्टिक कवर है उसको भी निकाल देते। सो ये है पेपर नंबर 4, दैट इज़ कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। मैं वापस आपको सारी बुक्स एक बार बता दूंगा अच्छे से। सो अभी के लिए आई जस्ट अरेंज दिस, ग्रुप वन की बुक्स को साइड में रखते हैं एंड अभी अनबॉक्सिंग करते हैं ग्रुप टू की बुक्स का। इसमें इलेक्टिव को छोड़ के बाकी सारी बुक्स है ग्रुप टू की, दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ओके सो सबसे ये पूरा बंडल ही है, सो इसको मैं पूरा ये बंडल को ही बाहर निकाल लेता हूँ इस बॉक्स से। ओके सो ये रही अपनी ग्रुप टू की बुक्स। मैं ये पेपर नंबर 6 की जो बुक है कि भी अनबॉक्सिंग एक बार कर देता हूँ, फिर साथ में सारी बुक्स को देख लेंगे। सो आई गेस बुक्स, हाँ सो ये रही पेपर नंबर 6 बी, दैट इज मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स ऑप्ट किया एज ऑफ नाउ, दीज आर ग्रुप वन बुक्स। तो एक बार इन सारी बुक्स को अच्छे से अरेंज भी कर लेते हैं और देख भी लेते हैं। तो दोस्तों चलिए एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं सारे सब्जेक्ट्स का कि आपको कितनी कितनी मॉड्यूल्स मिलने वाली है। स्टार्टिंग विद ग्रुप वन पेपर नंबर 1, दैट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 मॉड्यूल्स मिलने वाली है, जिसमें से ये रही मॉड्यूल 1, ये है मॉड्यूल 2, ये है मॉड्यूल 3 एंड ये है द लास्ट मॉड्यूल, दैट इज़ मॉड्यूल 4। इस तरह से आपको 4 मॉड्यूल्स मिलने वाली है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। मूविंग ऑन विद पेपर नंबर 2, दैट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको सिर्फ एक मॉड्यूल मिलती है, प्रीवियसली 2 मॉड्यूल्स इशू करता था बट अभी SFM में सिर्फ एक मॉड्यूल आपको मिलेगी। मूविंग ऑन विद पेपर नंबर 3, दैट इज एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। यहाँ पे आपको टोटल 3 मॉड्यूल्स मिलती है, सो मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 एंड मॉड्यूल नंबर 3। सो आपको 3 मॉड्यूल्स मिलती है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स में। मूविंग ऑन विद पेपर नंबर 4, दैट इज़ कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको टोटल 3 मॉड्यूल्स मिलती है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 फॉर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, दैट इज पेपर नंबर 4। नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो यहाँ पे आपको 3 मॉड्यूल्स मिलती है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3।
सो जो मॉड्यूल 3 है वो एकदम पतली सी है। उसके बाद मूविंग ऑन विद इलेक्टिव्स, तो यहाँ पे ये डिफर करता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा इलेक्टिव लिया है। मैंने एज ऑफ नाउ 6B लिया है, तो यहाँ पे आपको दो मॉड्यूल्स मिलती है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मूविंग ऑन विद अ वेरी हैवी सब्जेक्ट दैट इज डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो यहाँ पे आपको टोटल 4 मॉड्यूल मिलती है। तो ये है मॉड्यूल 1, ये है मॉड्यूल 2, ये है मॉड्यूल 3 एंड ये है मॉड्यूल 4। सो डायरेक्ट टैक्सेशन की आपको इस तरह से 4 मॉड्यूल्स मिलती है। मूविंग ऑन विद द लास्ट सब्जेक्ट दैट इज पेपर नंबर 8 ऑफ ग्रुप 2, तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट टैक्स लॉस मिलता है, जहाँ पे आपको टोटल 4 मॉड्यूल मिलते हैं। सो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड ये आपका मॉड्यूल 4। सो दोस्तों, इस तरह से आपके ये 8 सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बस दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।